సెర్చ్ వారెంట్ తో ఈడీ తనను వేధిస్తుందని ఆప్ ఎమ్మెల్యే అమానతుల్లా ఖాన్ అన్నారు. అరెస్ట్ చేయడానికి ఈడీ తన నివాసానికి వచ్చిందని, తన అత్తకు క్యాన్సర్ నిర్ధారణ కావడంతో 4 రోజుల క్రితం ఆపరేషన్ జరిగిందన్నారు. ఆమె అనారోగ్యంపై కుటుంబం అంతా ఆందోళన ఉన్నప్పుడు ఈడీ వచ్చి ఇలా వివరించడం సరికాదన్నారు ఆప్ ఎమ్మెల్యే అమానతుల్లా ఖాన్. గత 2 రోజులుగా ఈడీ ఫేక్ కేసులను పెట్టి వేధిస్తుందని ఎమ్మెల్యే వాపోయారు. అయినా తాను ఈడీకి తల వంచబోనని అన్నారు. अस्सलाम वालेकुम. देखिए इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं. मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है. अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है. वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है. जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है. पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को. मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं. सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना. तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी. आप लोगों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है. हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, न हम इनसे झुकने वाले हैं, न हम इनसे डरने वाले हैं. जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा. बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें. एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो सीबीआई के अंदर भी चल रहा है, जो एसीबी में भी है और अब ईडी में भी, उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है जिसमें खुद सीबीआई ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है. उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है. तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमारी पूरी फैमिली, पूरा घर और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी. शुक्रिया.